सेब का स्ट्रूडल टायरोल की एक पारंपरिक मिठाई है जो इटली में भी लोकप्रिय हो गया है, विशेष रूप से ट्रेंटिनो आल्टो आदिगे में। यहाँ हम इसे बनाने के लिए नुस्खा पेश करते हैं जिसमें हम पारंपरिक रूप से बहुत पतला बनाए जाने वाले स्ट्रूडल के आटे से शुरुआत करेंगे। आटे के लिए सामग्री 250 ग्राम मैदा, एक अंडा, 50 मिलीलीटर गुनगुना पानी, 30 मिलीलीटर तेल या पिघला हुआ मक्खन और एक चुटकी नमक। भरावन के लिए 700 ग्राम गोल्डन या रेनेटी किस्म के सेब, आधे नींबू का रस, 80 ग्राम चीनी, 80 ग्राम पानी या रम में भिगोई हुई किशमिश, 50 ग्राम पाइन नट्स, 50 ग्राम मक्खन, 50 ग्राम ब्रेड क्रम्ब, एक चम्मच दालचीनी पाउडर और सजावट के लिए आइसिंग शुगर। शुरुआत में आटा गोल में रखें और बीच में एक अंडे के लिए जगह बनाएं। अंडे को आटे के गोल के बीच में तोड़ें। इसमें तेल या पिघला हुआ मक्खन और नमक की एक चुटकी डालें। इसे बीच से मिलाना शुरू करें, धीरे धीरे मैदा को सम्मिलित करते हुए। गुनगुने पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालें जब तक कि आपको चिकना और समान आटा न मिल जाए। आटे को हल्का सा आटे में लपेटकर सतह पर लगाएं और उसे जोर से करीब 10 मिनट के लिए कंध करें। आटा लचीला होना चाहिए और चिपकना नहीं चाहिए। आटे को गोले का आकार दें, उस पर हल्का तेल लगाएं ताकि वह सूख न जाए और उसे एक गीले कपड़े या प्लास्टिक रैप से ढककर कम से कम 30 मिनट के लिए आराम दें। आराम के बाद आटे को आटे लगे कपड़े पर रखें और जितना संभव हो सके उसे पतला, लगभग पारदर्शी फैला दें। सेब को छीलें, उनके कोर को हटा दें और उन्हें पतले टुकड़ों में काट लें। उन्हें एक बाउल में डालें और उन्हें नींबू के रस के साथ छिड़कें ताकि वे काले न पड़ें। सेब में चीनी, अच्छी तरह से निचोड़ी हुई किशमिश, पाइन नट्स और दालचीनी मिलाएं। धीरे से मिलाएं। मक्खन को पिघलाएं और उसका कुछ हिस्सा फैलाए गए पास्ता के ऊपर लगाने के लिए इस्तेमाल करें। पास्ता पर समान रूप से ब्रेड क्रम्ब छिड़कें। स्ट्रूडल की भरावन को पास्ता की शीट के एक किनारे पर रखें, साइड्स पर सीमा छोड़ते हुए। कपड़े की मदद से स्ट्रूडल को अपने आप पर रोल करना शुरू करें, भरावन की तरफ से शुरू करते हुए। ध्यान से स्ट्रूडल को एक बेकिंग ट्रे पर रखें जिसे बेकिंग पेपर से ढका गया हो। इसकी सतह पर बचे हुए पिघले मक्खन से ब्रश करें। 180 डिग्री सेल्सियस पर पहले से गर्म किए गए ओवन में लगभग 40 मिनट या जब तक स्ट्रूडल सुनहरा और करारा न हो जाए तक बेक करें। स्ट्रूडल को काटने से पहले ठंडा होने दें। सर्विंग से पहले इस पर आइसिंग शुगर छिड़कें। सेब का स्ट्रूडल गर्म या कमरे के तापमान पर परोसा जा सकता है और अक्सर इसके साथ वैनिला आइसक्रीम की एक गोली या आइसिंग शुगर का छिड़काव किया जाता है। नई और स्वादिष्ट व्यंजनों की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट पर जाने का न भूलें।